नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी खल रही ग्रामीणों को। जी हाँ, आपको बता दें, शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कड़कबेल में डॉक्टरों की कमी के चलते ग्रामीण हो रहे परेशान। यहाँ पर एक डॉक्टर एवं 5 नर्सों की नियुक्ति होने के बाद भी डॉक्टरों की कमी के चलते ग्रामीण हो रहे परेशान। वही स्वास्थ्य केंद्र में मौका ए वारदात पर नहीं मिलते डॉक्टर, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन कृपया ध्यान दें, अस्पताल में डॉक्टर की काफी कमी है, जिससे ग्रामीणों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। जिससे ग्रामीणों माननीय नरसिंहपुर कलेक्टर महोदय, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महोदय, जनप्रतिनिधि महोदय से निवेदन किया है कि कड़कबेल शासकीय अस्पताल में शीघ्र डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। यहाँ के डॉक्टर महोदय को बीएमओ का चार्ज देकर गोटे गांव में पदस्थ किया गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर न होने के कारण आम जनता इलाज के लिए दर दर भटक रही है। फिलहाल कोई भी डॉक्टर की तुरंत पदस्थापना करने का कष्ट करें, जिससे कि लोगों को समय पर इलाज मिल सके और इस महामारी पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके। नरसिंहपुर से राहुल साहू। ये सुबह 8 से लेके 2 बजे तक, घंटे के 2 से लेके नाइट में 8 बजे। सर, यहाँ पर जो डॉक्टर नर्स जी हैं, उनकी ड्यूटी कितने समय से कितने समय तक है? हम लोग की जो ड्यूटी है 9 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 के पश्चात फिर रात में शाम को आती है 4 से लेके 5 बजे तक। जी, उस समय सब खाली समय में मतलब कोई भी मौजूद नहीं रहता है यहाँ पर? खाली समय हम लोग का वो रहता है जी, लंच टाइम रहता है, तो अपना लंच करते रहते हैं जी। कुल मिला के भगवान के भरोसे चल रही आपके यहाँ की अस्पताल? भगवान के भरोसे वही चला। सर, जब यहाँ पर खाली समय में कोई भी डॉक्टर जी, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, प्राथमिक का होता है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड जी, प्राथमिक सहायता जी, ठीक है ना। हमारे पास कोई ऐसे कोई एक्स्ट्रा मशीन या सोनोग्राफी ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर जी, ठीक है ना जी। बस जो भी रोगी आते हैं। सर, क्या नाम है आपका जी? क्या नाम है आपका? चौधरी जी। सर, आप यहाँ पर कब से पदस्थ हैं? मैं यहाँ पर करीब 20 साल से पदस्थ हूँ जी। सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो डॉक्टर ध्रुवे इंचार्ज थे, उनकी ड्यूटी जब बीएमओ में लगा दी गई तो यहाँ पे किसी दूसरे डॉक्टर को पदस्थ नहीं किया गया? अब ये शासन का काम है, तो शासन क्या करता, अब वो जाने शासन जाने। तो मतलब सर, पूरी जवाबदारी इस समय हॉस्पिटल की आपके चौबीस जी के अंडर में चल रही है? अब जो कुछ जैसा भी है, जो बनता है तो करते ही हम लोग। ये तो बहुत अच्छा समाज सेवा का काम है सर, जो आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, हमने पर्ची की बोली थी, कस्टमर था उसके लिए पर्ची के लिए बोली थी, वो मैडम जो मिली थी वो नजर में सीधी सीधी निकल रही, बोली भी पर्ची नहीं काटी, सामने खड़ी हुई सर। उसके लिए सॉरी, असल में क्या है कि उस समय लंच टाइम था उनका, वो पर्ची नहीं काटी, उनका काम है कोल्ड चेन मेंटेन करना, उनके इससे कोई संबंध नहीं, केवल टीकाकरण देखना है और टीकाकरण के लिए वो पदस्थ है। और उसके लिए जो है हमारे यहाँ जैसे शारदा है, आरती है, शिल्पा है, आरती और शिल्पा जो दो सिस्टर हैं उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगा दी गई है, और जो पूजा है स्थापना से तो वो उस समय कर दी जी। सर, धन्यवाद।